अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको फेसबुक पेज से अर्निंग करने का यानी ऑनलाइन पैसे कमाने का तरीका बताऊंगा, और वो भी बगैर फॉलोअर्स और लाइक्स के, यानी आपको ज़्यादा लाइक्स और फॉलोअर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास एक फेसबुक बिजनेस पेज का होना ज़रूरी है। अगर आपके पास फेसबुक पेज नहीं है और आपको ये तरीका नहीं आता, तो इस हवाले से मेरी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको फेसबुक पेज बनाने का तरीका बताया है। नाज़रीन इकराम, ये आजकल एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि लोग अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन करते हैं और लोग उनसे खरीदारी करते हैं। और आजकल बिलखसूस आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने अपने बहुत सारे कारोबार को जो है ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो अपने बिजनेस को ऑनलाइन करते हैं और इस तरह अपने कस्टमर गेन करते हैं। आजकल कोरोना वबा की वजह से कारोबारी मराकज बिल्कुल बंद रहते हैं। अगर आप सिर्फ हफ्ते इतवार को भी अपने पेज पर ऑनलाइन होकर अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर को दिखाते हैं, तो इस तरह भी आप बहुत सारा जो है सेल कर सकते हैं सिर्फ हफ्ता और इतवार के दिन। अब बिलखसूस ईद के दिन है और इन दिनों में क्लॉथिंग, शूज और कॉस्मेटिक्स, इस तरह की चीज़ें जो है आजकल बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं, बिलखसूस फेसबुक से और ऑनलाइन जो सर्विसेज होते हैं उनसे बहुत सारे लोग खरीदारी कर रहे हैं। ये जो तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, ये कारोबारी हजरात के लिए, दुकानदार हजरात के लिए खसूसी तौर पर बहुत मुफीद साबित हो सकता है। आप अपने शटर बंद करके भी ये काम कर सकते हैं, और वो खवातीन जो ज़रूरतमंद है और अपने घर से जो है सेल करना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। वो अपने घर से ऑनलाइन होकर अपने कस्टमर तक चीज़ की रसाई हासिल कर सकती है। तो चलिए नाज़रीन, मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप फेसबुक पेज से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं अपने जो है फेसबुक पेज के ऊपर जाऊँगा। मैंने अपने फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन किया और यहाँ से मैं जिस पेज पे लाइव आना चाहता हूँ उस पेज को मैंने ओपन किया, और यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास एक पेज पड़ा हुआ है। यहाँ पे जो ब्लू बटन आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे व्हाट्सएप का बटन आप ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऐड नहीं किया यहाँ पर। तो यहाँ पे पोस्ट का जो ये ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। पोस्ट के बटन पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए मेरे सामने ये ऑप्शंस आ गए, जिसमें फ़ोटो वीडियो भी मैं अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे नीचे जो है ना गो लाइव का ऑप्शन है, गो लाइव से आप ऑनलाइन हो जाते हैं, आपकी जो वीडियो है, जो वीडियो स्ट्रीमिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है आपको पहले भी इसका आइडिया हो। तो ये देखें यहाँ पे कुछ इब्तदाई ऑप्शन मुझसे मांग रहा है। एक तो आपने डिस्क्रिप्शन लाजमी डालना है, डिस्क्रिप्शन में आपने कुछ चीज़ें लिखनी है, जो कुछ आप सेल कर रहे हैं वो आपने लिखना है। और मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहूँगा, जैसे कि मैंने लिखा ईद सेल, मैंने लिख दिया। और इसके बाद मैं लिखूँगा कि फ्री होम डिलीवरी, आप फ्री भी रख सकते हैं अगर आपके पास गुंजाइश है। बल्कि मैं यहाँ पर अपने एक डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा होम डिलीवरी अवेलेबल। और यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर अपना ऐड करूँगा, जो भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। व्हाट्सएप नंबर डालना लाजमी है ताकि आपको जो है ना बंदा बाद में भी मैसेज कर सकें, या उसका कमेंट आप न पढ़ सकें तो व्हाट्सएप पर आपसे रब्ता कर सकें वो। तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया, और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन को मैंने क्लिक किया। यहाँ से देखिए लोकेशन भी मैं ऐड करना चाहता हूँ अपना। लोकेशन से ये फ़ायदा होगा कि जिस एरिया में आप हैं तो आपकी वीडियो उस इलाके में सब आपके फ्रेंड्स जो हैं या जो भी लोग हैं उस इलाके के उनको नज़र आ रही होगी फेसबुक पे। तो मेरा जो इलाका है जहाँ से मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, वहाँ से मैंने इसकी लोकेशन सेलेक्ट की, और यहाँ पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इसको मैं क्लिक करूँगा, और इस तरह मेरी जो स्ट्रीमिंग है वो लाइव शुरू हो जाएगी। तो ये देखें स्टार्ट लाइव वीडियो का जो आप बटन आ गया मेरे सामने, मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और जो मेरी स्ट्रीमिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। मेरी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे टॉप पे आपको जो है ना एक लाल रंग का जो है बटन भी आपको नज़र आ रहा होगा। तो फ़िलहाल मेरे मोबाइल के कैमरे का कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से मैं स्ट्रीमिंग मुकम्मल नहीं कर सका। तो इस तरह जब आप लाइव हो जाते हैं, आपने जो है उस चीज़ की क्वालिटी बतानी होती है, जो भी प्रोडक्ट है आपका, और उसकी प्राइस बतानी होती है, कंपनी का नाम बताना होता है, हर एक चीज़ आपको शो करनी होती है। और जो देखने वाले हैं वो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं और बहुत दिलचस्पी लेते हैं, वो आपको ख़ुद कहेंगे कि भाई आप मेरी इस कंपनी का ये चीज़ दिखाएँ। तो आपने उनको प्राइस बताते जाना है, कमेंट के अंदर उनको प्राइस बताएं, आप उनको जो है व्हाट्सएप पे करवाते हैं तो उनको प्राइस बताएं, और इस तरह ये सारी चीज़ें सेट करके आप अपने सेल को जो है आगे बढ़ा सकते हैं।
नाजरीन उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तरीका समझ आया होगा और ये एक इंतहाई आसान तरीका है सेल करने का। देखिए नाजरीन, आप हफ्ते के दौरान जो है ना 200-300 का पैकेज अपने लगाते हैं और कितना 24 घंटे में कितना टाइम आप सोशल मीडिया पे वेस्ट करते हैं, अपनी तस्वीरें अपलोड करते करते आप तक फिर नहीं है। तो क्या अगर आप उस अपने टाइम को अपने उन पैसों की कीमती बना के अपने कुछ सेल बढ़ाते हैं, अपने कस्टमर पैदा करते हैं, तो क्या ये फ़ायदे की बात नहीं है? अगर आप ख़ुद जो है ना ये नहीं कर सकते तो कम से कम अपने किसी रिलेटिव को इस तरह का मशवरा दे सकते हैं जो इससे अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाजमी जो है हमें फीडबैक दे दें, कमेंट करें, और अगर इस आपके जहन में कोई भी जो है सवाल है या आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।